आईपीएल क्रिकेट की ऐसी लीग है जिसमें भारत के अलावा बाहर के खिलाड़ी भी खेलने की इच्छा रखते हैं। आईपीएल किसी भी खिलाड़ी को स्टार बना सकता है। आईपीएल से खिलाड़ियों को पहचान मिलती है जो उन्हें करियर में बहुत मदद देती है। ऐसे ही धोनी ने अफगानिस्तान के मोहम्मद शहजाद को आईपीएल में अपनी टीम से खिलाने का ऑफर दिया था, लेकिन माही ने एक शर्त रखी थी और वो शर्त वजन घटाने की थी। इस बात का खुलासा अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने किया है। असगर अफगान ने बताया कि जब 2018 के एशिया कप के दौरान भारत और अफगानिस्तान के मैच के बाद उनकी धोनी से बात हुई तो माही ने मोहम्मद शहजाद को अपनी टीम में लेने की बात कही थी, लेकिन माही ने इस बात की शर्त रखी थी कि अगर शहजाद 20 किलो वजन घटा लें तभी वो उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे। असगर अफगान ने एक अखबार से बात करते हुए कहा, मैंने मैच के बाद धोनी भाई से बात की और उन्हें बताया कि शहजाद आपका बहुत बड़ा फैन है, तो उन्होंने कहा कि अगर वो 20 किलो वजन घटा लेता है तो मैं उसे अपनी टीम में शामिल कर लूंगा। आगे असगर ने हंसते हुए कहा, लेकिन टूर्नामेंट के बाद जब शहजाद वापस लौटे तो वजन कम करने की बजाय उन्होंने अपना वजन और 5 किलो बढ़ा लिया था। साथ ही असगर ने आगे कहा, माही भाई बेहतरीन कप्तान है और भारतीय क्रिकेट के लिए वो उपहार जैसे हैं। आगे असगर ने भारत के खिलाफ खेलने के अनुभव के बारे में भी बताया। उन्होंने इस मैच को अपने लिए बेहतरीन पल बताया। असगर ने कहा, 2018 एशिया कप का टाई मैच मेरे लिए सबसे बेहतरीन पल था, वह सबसे अच्छा मैच था। दोनों देशों के प्रशंसक तनाव में थे। अफगानिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले मोहम्मद शहजाद बीते कुछ वक्त से टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला एशियन गेम 2023 के जरिए खेला था। इसके अलावा वनडे और टेस्ट में वो आखिरी बार 2019 में दिखाई दिए थे। वो अब तक 2 टेस्ट, 84 वनडे और 73 T20I इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं। टेस्ट में उन्होंने 69 रन बनाए हैं, वनडे में उनके बल्ले से 2727 और T20I इंटरनेशनल में उन्होंने 2048 रन बनाए हैं। शहजाद वनडे में 6 और T20 इंटरनेशनल में 1 शतक भी लगा चुके हैं। इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स से जुड़ी और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव MVP लाइव को।